सनातन धर्म में कुछ तिथियों को विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें महानंदा नवमी भी शामिल है। बता दें कि हर साल भाद्रपद माघ और मार्गशीर्ष माह के दौरान शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महानंदा नवमी के रूप में मनाया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नंदा व्रत को ताल नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि महानंदा नवमी के दिन विधिवत माँ दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान किया जाता है और दान जैसे कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। वहीं इस दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने का भी विशेष महत्व होता है। महानंदा नवमी का व्रत रखने और विधिवत पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही इससे जीवन में खुशहाली भी आती है। कहा जाता है कि इस दिन से 3 रात तक विधि पूर्वक देवी की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से लोगों के जीवन से सभी तरह के कष्ट मिट जाते हैं और लोगों को सुख समृद्धि तथा आर्थिक सुख की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल मार्गशीर्ष महीने की महानंदा नवमी 21 दिसंबर के दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन ही माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि महानंदा नवमी की पूजा से ही मृत्यु के बाद जातक को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर देवी की विधिवत पूजा करना चाहिए। इस दिन कुमारी कन्याओं का पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेना विशेष शुभ माना जाता है, इसलिए लोग इस दिन कन्या भोज कराने के बाद उन्हें दक्षिणा देकर पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। वैसे तो महानंदा नवमी का व्रत विवाहित महिलाएं रखती हैं, लेकिन इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। वहीं महानंदा नवमी की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किया जाता है, फिर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद लकड़ी के पट्टी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करके विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा में अक्षत, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी और दीप शामिल किए जाते हैं। माँ लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाया जाता है और पूजा के मंत्रों का जाप किया जाता है। साथ ही महानंदा नवमी की कथा भी जरूर पढ़ी जाती है। सबसे आखिरी में आरती करके पूजा संपन्न किया जाता है। अगर आप भी इस दिन ऐसे पूजा करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।